तो ये भाई बोल रहे थे कि आइटम को वन बाय वन कैसे ड्रॉप करते हैं, और आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं कोई सा भी आइटम उसे वन बाय वन ड्रॉप कर पा रहा हूँ। तो अगर आप भी किसी आइटम को वन बाय वन ड्रॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी होम स्क्रीन पर आकर प्ले स्टोर को ओपन करना है, और प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना है की मैपर। तो अभी मैं सर्च बार पर जाकर सर्च करता हूँ। ये रहा मेरा की मैपर, इसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही, तो अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इसे स्किप कर देना है, स्किप करते जाना है। उसके बाद जब आप लास्ट में आओगे तो यहाँ पर आपको एक टिक का ऑप्शन मिलेगा, इस टिक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ऊपर जो आपको रेड कलर का फिक्स दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको एनेबल करना है। एनेबल करने के बाद जब आपकी सेटिंग ओपन हो जाएगी आपको सबसे नीचे जाना है, फिर आपको की मैपर पर जाना है और इसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आपसे परमिशन मांगे, इसे अलाउ कर देना। उसके बाद फिर से बैक जाना और फिर से बैक जाना, फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना, और उसके बाद आपको रिकॉर्ड ट्रिगर पर क्लिक करके अपना वॉल्यूम अप या डाउन वाला बटन दबाना है। तो मैं यहाँ पर अपना डाउन बटन दबा रहा हूँ। उसके बाद आपसे कुछ फिर से फिक्स करने को मांगेगा, फिर से आपको इसे फिक्स करना है। ओके पर क्लिक कर देना है और फिर अपने की मैपर को ढूंढ लेना। की मैपर जाने के बाद आपको डू नॉट डिस्टर्ब को अलाउ कर देना है। उसके बाद बैक जाना है फिर से, फिर आपको एक्शंस पर जाकर एड एक्शंस फिर क्लिक कर ऊपर जो सबसे ऊपर इनपुट की कोड है उस पर क्लिक करना है और सर्च करना है क्यू, क्योंकि जो जावा एडिशन होता है उसमें भी क्यू ही काम आता है वन बाय वन आइटम ड्रॉप करने में। इतना करने के बाद आपको उस पर दोबारा टैप करना है, फिर इसके बाद ये भी रेड रेड जो आ रहा था उस वो भी बंद हो जाएगा। फिर आपको इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना माइनक्राफ्ट ओपन करना है। तो अब मैं होम स्क्रीन पर जाकर अपना माइनक्राफ्ट जो है उसे ऑन कर लेता हूँ। तो अभी ये इधर है मेरा माइनक्राफ्ट, मेरा माइनक्राफ्ट ओपन हो गया है। अभी आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक डायमंड की स्वॉर्ड है और कुछ डायमंड भी है जो कि मैंने पहले से ही ले रखे हैं। तो अभी मैं आपको डायमंड को ड्रॉप कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वन बाय वन अपना डायमंड भी ड्रॉप किया है। सिर्फ डायमंड ही नहीं, मैं कोई भी आइटम हो उसे वन बाय वन ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं कोई भी आइटम को वन बाय वन ड्रॉप कर सकता हूँ। और अभी आपने नोटिस किया होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक में बिना अपनी सेटिंग को ओपन किए अपना कैमरा एंगल चेंज कर लिया। तो इस चीज़ के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल के अंदर चले जाना, वो वीडियो आपको वहीं पर मिल जाएगी या फिर मैं अभी आपको दे देता हूँ। तो आज की वाली वीडियो में इतना।